नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विलोपन विधि देखेंगे। विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, ये रहा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला समीकरण एक और दूसरा समीकरण ये रहा। इसमें क्या करना है, देखिए यक्ष और वाई दो चर हैं इसमें, इन और इसी प्रकार इसमें भी यक्ष और वाई के, और अगर यक्ष और वाई के गुणांकों की बात करें तो यहाँ यक्ष का गुणांक दो है, वाई गुणांक माइनस तीन है। इसी प्रकार समीकरण एक में यक्ष के गुणांक एक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो ये एक होता है, और ये वाई का गुणांक एक है। इस समीकरण इस विलोपन विधि में हम किसी भी यक्ष के चर को या वाई के चर के गुणांक को बराबर करा जाएगा। तो जैसे अगर हम यक्ष के गुणांक को बराबर करना हो तो यहाँ पर वन यक्ष है, यहाँ टू यक्ष है, तो क्या करेंगे, इस टू है तो समीकरण एक में दो का गुणा करेंगे, और अगर यक्ष का मान यहाँ पर गुणांक एक है तो यहाँ पर एक का गुणा करेंगे। ये हो गया इस यक्ष का बराबर करने के लिए। तो इसी को लिख लेते हैं, लिखते हैं समीकरण एक में दो से एवं समीकरण दो में एक से गुणा करने पर, देखते हैं दो गुणा करेंगे तो तीनों पदों में गुणा किया जाएगा। तो दो का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह हो गया टू एक्स प्लस टू वाई दो पंचे दस, समीकरण तीन। एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज सब रहेगा, समीकरण चार। अब इस समीकरण तीन में से समीकरण चार को घटाएंगे, लिखते हैं समीकरण तीन से समीकरण चार को घटाने पर, तो कैसे घटाएंगे देखते हैं, टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस, टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर फोर, लाइन खींचते हैं, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे क्या, घटाने पर सबका चिन्ह बदल जाएगा, इस नीचे वाले का समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस टू वाई प्लस टू एक्स होता है तो माइनस टू एक्स जाएगा। प्लस शुरू में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये माइनस थ्री है तो प्लस थ्री हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस फोर हो जाएगा। अब ये माइनस टू एक्स में माइनस टू प्लस टू एक्स में माइनस टू एक्स कैंसिल हो गया, टू में प्लस थ्री हो जाएगा, ये माइनस थ्री माइनस नहीं रह गया ये, ठीक ना। अब इसको मिटाया तो नहीं जा सकता, इसलिए इसको लिखा हुआ है ये, हम ये प्लस इसको अब प्लस मानेंगे। तो दो और तीन वाई पाँच वाई बराबर दस में चार गया छः, वाई बराबर छः बटे पाँच, ये y का मान आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, एक दो तीन चार किसी में रखेंगे आंसर आ जाएगा। हम सरल से सरल समीकरण में रखेंगे, इसी समीकरण में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, ये रहा पहला समीकरण, लिखेंगे x प्लस वाई का मान, y है y का मान 6 बटे 5 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 6 बटे 5, इसको प्लस 6 बटे 5 है पक्षांतर हुआ तो माइनस 6 बटे 5 हो गया, इसका लघुत्तम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 5 पचे 25 माइनस 6 बटे 5, ठीक ना, 25 में 6 गया 19 बटे 5। इस प्रकार x और y दोनों का मान आ गया, इसको लिख लेंगे, अतः x बराबर 19 बटे 5, y बराबर 6 बटे 5, ये अभीष्ट उत्तर हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं, थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर 10, समीकरण एक, टू एक्स माइनस टू वाई बराबर 2, समीकरण दो।
देखिए इसमें क्या है, यक्स का गुणांक 3 है, यक्स गुणांक 2 है, वाई गुणांक 4, वाई गुणांक -2, ठीक ना। ये अचर पद है, तो इसमें हम इस बार इस वाले क्वेश्चन में भी यक्स के गुणांक को बराबर कर रहे हैं, और एक तीसरा क्वेश्चन जब हल करेंगे तो उसमें हम वाई के गुणांक को बराबर करके मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 2 है तो समीकरण 1 में 2 गुणा कर लेंगे, यहाँ 3 है तो समीकरण 2 में 3 का गुणा कर लेंगे, और इसको लिख लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, इसको पहले क्वेश्चन के हल को मिटा देते हैं, जरूरत नहीं इसका। दो गुणा इन तीनों पदों में होगा, 3 दुनी 6x, 4 दुनी 8y, 10 दुनी 20, समीकरण 3। इसी प्रकार 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, समीकरण 4। अब इस समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, लिख देते हैं इसको। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर 6x प्लस 8y बराबर 20, 6x माइनस 6y बराबर 6, यहाँ लिखते हैं घटाने पर। तो घटाने के लिए इसका चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ प्लस होता है, प्लस 6x है तो -6x हो गया, -6 है तो +6 हो गया, ये -6x हो गया, -6 हो गया, तो 6x में -6x कैंसिल, 8 और +6, -6 नहीं, तो 8 6 14। देखिए मैं कहीं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, कहीं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, ठीक ना। ये 8 और 6 या 8 और 6, 8 6 14, 20 में 6 14, 14 ये पक्षांतर हुआ, तो 14 ये चीज़ 14 पक्षांतर हो गई, 14 एक कम, 14 एक कम, y का मान 1 आ गया। इस y के मान के को किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, या सिंपल कह सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ये रहा 3x प्लस 4 गुणे y का मान 1 आया है, 1 रख देते हैं यहाँ पर, बराबर 10, 3x प्लस 4 एक कम 4 बराबर 10, 3x 10, ये चीज प्लस 4 है, पक्षांतर होगी तो -4 हो गई, ठीक ना। इस बराबर के इधर से इधर गया, चाहे इधर से इधर, दाएं से बाएं, चाहे बाएं से दाएं, अपना चिन्ह बदल देते हैं, तो प्लस 4 है तो -4 हो गया, 10 माइनस 4 6, यक्स बराबर 6, चिन्ह इधर नीचे पक्षांतर हो गया, 3 एक कम 3 दूनी 6, यक्स बराबर 2, यक्स का मान 2, देखिए दोनों मान आ गया, अतः लिखते हैं यक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, ये अपना अभीष्ट उत्तर हो गया। इसी विलोपन विधि पर एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक ना। इसको समीकरण 1 और 2 नहीं डालेंगे, 3x माइनस 5, इसको पहले अचर पद को पक्षांतर कर लेंगे, तो इसको पहले हल कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे से, 3x माइनस 5y बराबर 4, और 9x, ये इसको अंतर पक्षांतर करेंगे तो प्लस होता है यहाँ पर, ये पक्षांतर होगा तो माइनस 2y बराबर 7, तो ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक ना।
पिछली बार मैंने कहा था कि y के गुणांक को बराबर करेंगे, तो इस बार y के गुणांक को बराबर करके हल करेंगे। तो इसमें y का मान यहाँ पर 5 है और इसमें 2 है, तो इसके उल्टे से गुणा करेंगे, 2 है तो इसमें 2 गुणा कर लेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 का गुणा कर लेंगे, ठीक ना। समीकरण एक में 2 से एवं समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं 3 दुनी 6, 5 दुनी 10 वाई, 4 दुनी 8, समीकरण 3, 9 पचे 45 एक्स, 5 दुनी 10 वाई, 7 पचे 35। इसी को घटा लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 को, 3 को 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नीचे हो रहा है। यहाँ लिखते हैं 6x माइनस 10y बराबर 8, 45x माइनस 10y बराबर 35 घटाने पर, तो चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो 6 में 45, ठीक ना, 6 माइनस 45, 6 माइनस 45 ऐसे घटेगा। अब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो पहले तो माइनस चिन्ह लगा लेते हैं, हमेशा छोटी संख्या से। अगर ये चीज़ ऐसे होती माइनस 6, तो सिंपल 45 में 6 घट रहा है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 39 हो जाता, मगर ये उल्टे छोटे से बड़ी संख्या घट रही है, तो हम लिखेंगे माइनस 39, ठीक ना, यहाँ लिखते हैं 39। अब माइनस 10y से प्लस 10y, तो ये कैंसिल हो गया, बराबर ये 8 माइनस 35, जिस तरह इसको हमने हल किया इसी तरह 8 माइनस 35 इसको भी घटाते हैं, तो 8 5 3 27 माइनस 27, ठीक ना, x बराबर माइनस 27 बटे माइनस 39, तो 3 के पाना से 3 नवा 27, 3 एक कम 3 के कई 9, ये हो गया x का मान ज्ञात हो गया, x बराबर 9 बटे 13 या 9/13, तो x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा, क्लास 10 में हर स्टेप का मार्किंग होता है, ठीक ना। तो एक समीकरण एक में लिख लेते हैं, ये रहा समीकरण एक, 3x का मान यही रख देते हैं 9/13 9/13। देखिए मैं हिंदी या इंग्लिश मेरे से मैं बोल दे रहा हूँ, आप इसको समझिएगा, माइनस 5y बराबर 4, तो ये हो गया 9 × 3 = 27 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, माइनस 5y बराबर 4, इसको हम उधर पक्षांतर कर लेंगे, 9 × 3 = 27 सॉरी, ये इधर पक्षांतर, तो माइनस 27/13। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस 5y बराबर 13 × 52 माइनस 27, ये पूरे के बटे 13, ठीक ना, माइनस 5y बराबर 52 में 27 गया, 7 × 5 = 3 7 × 5 = 3 2 5/13, और y बराबर पक्षांतर कर लेते हैं इसको भी, ये माइनस 5 पक्षांतर हो गया, y बराबर 5 × 25 माइनस 5/13। इस प्रकार x और y का मान ज्ञात हो गया, उसको लिख लेते हैं,
अतः यक्स बराबर 9/13 एवं वाई बराबर -5/13। इसका आंसर भी सही है। धन्यवाद।